बॉलीवुड अभी लता मंगेशकर के जाने के दुख से उभरा ही था कि इस वक्त बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर साथ ही दुखद खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर सिंगर बप्पी लहरी का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि बप्पी लहरी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया बीमारी थी। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर दीपक बताते हैं कि बप्पी लहरी एक महीने पहले अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन था। सोमवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और वह बिल्कुल ठीक थे, सब सामान्य था। लेकिन मंगलवार को एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें दोबारा से अस्पताल में ले जाया गया। उन्हें कई प्रकार के हेल्थ इशू थे और इसी के चलते 15 फरवरी रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर ने बताया, उस बीमारी में व्यक्ति बार बार रुकता है, नींद में सांस लेने लगता है। इस बीमारी के लक्षण होते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, सुबह सिरदर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, उच्च रक्तचाप में कमी रहती है। इसी तरीके की बीमारी के लक्षण होते हैं। बहरहाल बात करें बप्पी लहरी की, तो बप्पी लहरी को डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था। 1970, 1980, 1990 तीनों दशकों में उनका बॉलीवुड पर राज रहा। डिस्को को अगर किसी ने बॉलीवुड में ईजाद किया तो वह बप्पी लहरी ही थे। फिल्म डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस डांस, शराबी जैसी अनेकों फिल्म में उन्होंने अपने म्यूजिक के जरिए, अपनी आवाज़ के जरिए अपना जादू बिखेरा। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदी ही नहीं, बंगाली, तमिल, गुजराती जैसी कई अन्य भाषाओं में भी बप्पी लहरी ने अपने टैलेंट के जरिए लोगों का दिल जीता। आखिरी बार बागी 3 में उन्होंने म्यूजिक दिया था और अब उनका यूं चले जाना उनके फैंस के लिए बेहद ही दुख से भरा पल है। बप्पी लहरी ने बॉलीवुड के तमाम बड़े सिंगर्स के साथ में काम किया। किशोर कुमार हो, लता मंगेशकर हो, आशा भोसले हो, तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ, तमाम बॉलीवुड सिंगर्स के साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने अपने टैलेंट के जरिए, अपने काम के जरिए लोगों के दिलों पर विराज किया। अब उनके चले जाने से उनके फैंस, उनका परिवार शोक में है। बहरहाल देख न्यूज़ का परिवार भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता है, साथ ही परिवार के प्रति भी संवेदनाएं प्रकट करता है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।